देखो एडी करंट्स क्या हैं? एडी करंट्स इंड्यूस करंट्स ही हैं। ध्यान आगे, एडी करंट्स आर इंड्यूस करंट्स। तो फिर कहोगे नाम चेंज क्यों है? इंड्यूस करंट वर्ड जो है वो किसी वायर के लिए यूज हो रहा है, एक वायर के अंदर लूप के अंदर करंट पैदा हो रहा है, इंड्यूस करंट है। एडी करंट शीट का करंट है। जैसे इमेजिन करो आपके पास ये एक शीट है, मेटल की बनी हुई शीट है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो मेटल की बनी हुई शीट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो जब इसमें फील्ड चेंज करोगे तो इसमें करंट पैदा होंगे, करंट जनरेट होंगे, और वो करंट ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। ये देखो करंट कुछ ऐसे होंगे, ऐसे कंसेंट्रिक करंट्स होंगे। तो बहुत सारे इंड्यूस करंट्स को एडी करंट्स बोलते हैं। तो एडी करंट कुछ नहीं है, वही इंड्यूस करंट्स ही हैं, बस हीट में जब पैदा हो जाए तो ये एडी करंट्स हैं। तो एडी करंट्स कुछ नहीं है, इसमें मैंने बताया दीज आर द करंट इंड्यूस इन द बॉडी ऑफ अ कंडक्टर एन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस। तो करंट क्या होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी बाई आर, सेम फॉर्मूला है इसका। एप्लीकेशन है एडी करंट्स की। एडी करंट्स की पहली एप्लीकेशन है, आप याद करो आपने मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर किया था। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में क्या किया था? ये आपका गैल्वेनोमीटर का कॉयल है, ये लटक रहा है, तो ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर को कॉयल है, ठीक है यहाँ तक। तो जब ये जब गैल्वेनोमीटर का कॉयल है हवा में लटक रहा है, तो जैसे आपने करंट मेजर किया, टॉर्क आया, करंट बंद कर दिया, वापस चला जाएगा। जब ये वापस जाएगा ये झूल रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब ये ऐसे झूलेगा ऐसे, तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस करंट, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज होगा। तो अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अनवांटेड करंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इधर जा रहे हैं करंट पैदा हुआ, तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, बेमतलब करंट है नहीं पर ऐसी बस हिलने की वजह से, तो ये प्रॉब्लम है इसकी। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की लूप को एक शीट के ऊपर लपेट देते हैं। वो शीट के अंदर मेटल की बनी हुई शीट है, तो जैसे ही ये हवा में झूलता हुआ क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करता है, एडी करंट जनरेट हो जाते हैं और अपना टॉर्क जनरेट करते हैं। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे मूव करते हो तो इसका फ्लक्स मान लो बढ़ रहा है, तो एडी करंट ऐसे जनरेट होंगे कि वापस जाएंगे, अपने फ्लक्स को कम करेंगे, अपने डायरेक्शन को, मोशन को उल्टा कर देंगे, अपोज करते हैं। और जैसे ही पीछे आने की कोशिश करेगा, फ्लक्स कम करने की कोशिश करेगा, एडी करंट जनरेट होगा और करंट को इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है कॉयल, तो ये क्लॉकवाइज घुमा देगा, और क्लॉकवाइज घूमती है एंटी, तो ये इतना फास्ट है कि जहाँ है कॉयल वहीं की वहीं रहे। एडी करंट मोशन को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, क्योंकि एडी करंट आर बिकॉज ऑफ इंड्यूस करंट, और ये फॉलो करते हैं लेंज लॉ। तो अगर इसका फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये करंट अपना टॉर्क जनरेट करके फ्लक्स को कम करते हैं, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो अपना करंट जनरेट करके टॉर्क जनरेट करके फ्लक्स को इंक्रीज करते हैं। तो ना इंक्रीज हो पाता है ना डिक्रीज हो पाता है। ऐसे गैल्वेनोमीटर में जब एक कॉइल स्टेशनरी रहती है अपनी जगह पर, इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, डैम्प हो चुकी है, एम्पलीट्यूड जीरो है, तो इसकी मोशन बिल्कुल बंद हो जाती है। तो यहाँ बनाने के काम आता है। एडी करंट को कम भी कर सकते हैं। अगर एडी करंट को कम करना है तो शीट की देखो कटिंग कैसे कर रखी है। शीट की कटिंग ऐसे कर रखी है कि इसके अंदर ये देखो करंट घूम के लंबे रास्ते से जा रहा है। जब लंबे रास्ते से करंट जा रहा है तो करंट होगा क्या? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। अब आपने लंबे रास्ते से रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो करंट कम हो जाएगा। तो आप लंबे रास्ते से लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो करंट की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। एडी करंट की नेक्स्ट एप्लीकेशन है, एक सोलेनॉइड ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और एक मेटल का बना हुआ डिस्क रख दो, ढक्कन रख दो। यहाँ से जैसे ही आप करंट को इंक्रीज करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो मेटल का ढक और वो भी सोलेनॉइड है, तो मान लो एक मिनट के लिए जब इसमें करंट गया तो ये वाला एंड नॉर्थ और ये वाला एंड साउथ जनरेट हो गया। मेटल के बने हुए डिस्क में एडी करंट जनरेट हो गए, इंड्यूस करंट जनरेट हो गए, उसका फ्लक्स इंक्रीज हो गया। तो ये वाला पोल क्या एक्ट करेगा ढक्कन का? मेटल का नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, अपने फ्लक्स को कम करने के चक्कर में हवा में ऊपर उठ जाएगा। क्यों ऊपर उठा? क्योंकि इसमें क्या जनरेट हो गए? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट नहीं बोलना, मेटल की शीट में क्या बोलना है? एडी करंट जनरेट हो गए। एडी करंट अपने चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेंगे, तो जब नॉर्थ इंक्रीज हो रहा होगा, करंट जब इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होगा तो नॉर्थ पोल भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ उल्टा नॉर्थ डेवलप होकर ये हवा में उछल जाएगा बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है? आपके पास एक मेटल का ओर है, तो आपको इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कोयले की फर्नेस में डालते हो, गर्म करते हो, पिघला के बाहर ले आते हो, वगैरह कोयला लगाने की जरूरत नहीं है, आप इंडक्शन फर्नेस लगा दो।
आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड को कम ज़्यादा करो तेज़ी से। इससे क्या होगा, कम ज़्यादा करने से उसमें एडी करंट जनरेट होंगे मेटल्स के अंदर, और वो इतने अमाउंट में जनरेट करवाओ कि मेटल पिघल के बाहर आ जाए, इंडक्शन फर्नेस हो गया, मतलब करंट हीटिंग अफेक्ट जनरेट करता है। तो अब एडी करंट इतने ज़्यादा जनरेट करो कि हीटिंग अफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाए कि करंट उसको पिघला दे और मेटल बाहर आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, तो इसमें क्या होता है कि ट्रेन हैं, जब ट्रेन चल रही होती हैं तो ड्रम घूम रहा होता है उसके अंदर मेटल का बना हुआ, उसको रोकना है। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करती हो ड्रम के अक्रॉस, इससे क्या होता है, इससे कि उसमें करंट जनरेट होता है जो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, जिससे कि ट्रेन को रोका जा सकता है। क्योंकि एडी करंट की प्रॉपर्टी है ये मोशन को हमेशा अपोज करते हैं, इसलिए ट्रेन को भी रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एडी करंट्स। और डिसएडवांटेज है, ये हमेशा मोशन को अपोज करते हैं, ये एनर्जी लॉस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ करंट है वहाँ एनर्जी का लॉस है हीट की फॉर्म में। एक्सेसिव हीटिंग में ब्रेक इंसुलेशन, तो इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है और तारें सड़ भी जाती हैं। और एक क्वेश्चन आता है टू मिनिमाइज एडी करंट, एडी करंट को मिनिमाइज करने ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर जैसा जो मटेरियल है वो लोहे का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है, तो जो ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर है वो कुछ इस तरीके से है, ये रहा ट्रांसफार्मर, इसमें क्वाइल्स हैं ऐसी ऐसे, ये लोहे का बना हुआ ट्रांसफार्मर है, पीछे से ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो चेंज होता रहता है, जब ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से इस लोहे के अंदर क्या जनरेट हो जाएंगे, एडी करंट्स, एडी करंट जनरेट हो जाएंगे, और ये इतने अमाउंट पे जनरेट हो जाएंगे इस लोहे के अंदर, इस तार को ये हीटिंग अफेक्ट से ख़राब कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम एडी, देखो एडी करंट को रोका नहीं जा सकता, लोहे के अंदर एडी करंट रोका नहीं जा सकता, तो मेटल के अंदर एडी करंट जनरेट तो होने ही होने हैं, तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए लोहे के पीस को शीट्स में काट दिया जाता है, इन शीट्स को लैमिनेट कर दिया जाता है, इनको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर्स, लैमिनेटेड कोर है ये, लैमिनेशन शीट्स हैं, ताकि जब वायर से एडी करंट जनरेट हो तो इसमें छोटा एडी करंट जनरेट हो, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, ताकि कंबाइन ना हो सके, क्योंकि अगर कंबाइन हो गए तो मिलके बड़ा करंट हो जाएगा, अगर छोटे छोटे एरिया में रहेंगे तो करंट ज़्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाएंगे, एडी करंट को मिनिमाइज किया जा सकता है इस तरीके से, इसे बोलते हैं लैमिनेटेड कोर्स। ट्रांसफार्मर के कोर को पूछते हैं लैमिनेटेड क्यों लगाए जाते हैं, आप बोलेंगे टू रिड्यूस एडी करंट्स। ठीक है यहाँ तक,